हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही इजी, टेस्टी, ब्यूटीफुल और रोमांटिक रेड वेलवेट मूस केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हाफ कप जो है वो प्रीमिक्स यूज़ किया। सबसे पहले मैं आपको प्रीमिक्स ही बता रही थी, मैंने केवल हाफ कप ही लिया है। ज़्यादा हमें इसके लिए केक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्क्रैच से यानी मैदे से केक बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। की है पहले मैंने, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और यहाँ पे हम जो है अपने बैटर में थोड़ा थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। एकदम से पानी हम इस पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि नहीं तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा और अगर हम अपने पतले बैटर को बेक करेंगे तो उसमें ऊपर क्रैक आ सकता है और वो थोड़ा चिपचिपा भी बन सकता है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सावधानी से धीरे धीरे करके अपने बैटर में पानी मिक्स कर रही हूँ और उसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी। और इसमें है ना कोई लम्स नहीं पड़ना चाहिए, अगर लम्स पड़ गए तो केक बिगड़ सकता है। अभी हमने हाफ कप जो है प्रीमिक्स लिया है तो इसमें मैंने हाफ चम्मच ही ऑयल लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा रेड कलर मिला रही हूँ क्योंकि हमें रेड वेलवेट बनाना है इसलिए। तो कलर और ऑयल को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पूरा कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा बैटर तैयार है और यहाँ पर मैंने 6 इंच का एक ये केक टिन लिया है, इसे मैंने बटर पेपर से ग्रीस कर लिया है और अब मैं अपने बैटर को इसमें डालूंगी। बैटर बिल्कुल जरा सा ही है तो ऐसा लगेगा, अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन जो हम बनाना चाहते हैं उसके लिए इतना बैटर सफिशिएंट होगा। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से चारों तरफ फैला रही हूँ, बैटर बहुत ही कम है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। तो हम इसको अच्छे से एयर बबल्स निकाल लेंगे उसको ठोके। अब यहाँ पे मैं इसको अपने भगोने में मेरा जो बेक है उसमें बेक कर रही हूँ। हमारा बहुत ही जल्दी ये 10 से 15 मिनट में ये बेक होके तैयार हो जाता है। तो हमने हाफ कप जो है प्रीमिक्स लिया था इसलिए हाफ ही कप अब मैं इसमें जो है व्हिप्ड क्रीम ले रही हूँ, नॉन डेरी व्हिप्ड क्रीम है। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे और इसके थोड़े से ये फॉर्म हो जाए बस उतना ही हम इसे फेंट लेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने इसमें 1 चम्मच जो है शुगर, पाउडर शुगर डाला है। वो मैं इसलिए डाला है, वैसे मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी शुगर एडेड रहती है, पर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अभी हम इसमें क्रीम चीज़ डालेंगे और वो सॉल्टी होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच शुगर डाल दी है। अब यहाँ पर इसमें ये देखिए पीक्स बन चुके हैं, काफ़ी मैंने हार्ड इसको बनाया है क्योंकि अभी हम इसमें क्रीम चीज़ जब डालेंगे, ये मैंने अमूल का क्रीम चीज़ लिया है, ये थोड़ा सॉल्टी होता है और इससे इसका टेस्ट ना 10 गुना बढ़ जाता है। तो अभी ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, जब हम इसे क्रीम में डालेंगे तो हमारे क्रीम का टेक्सचर पतला हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम अपने क्रीम को जो है वो पहले ही जो है पीक्स बना लेंगे उसमें टाइट। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने उंगलियों से अच्छे से चम्मच को साफ कर करके डाल दिया है। तो अब हम इसे दोबारा से फेंट लेंगे और इसके फिर से, अगर हमने पहले ही क्रीम पतली क्रीम में अगर क्रीम चीज़ डाल दिया होता तो क्रीम हमारी बिल्कुल भी टाइट नहीं हो पाती, वो बिल्कुल ही फ्लोई होती, तो उसको डेकोरेट करने में, केक को डेकोरेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती और हैंडल नहीं कर पाता उसको। तो मैंने इसलिए पहले ही क्रीम को पहले ही व्हिप्ड कर लिया था और बाद में इसमें क्रीम चीज़ मिलाया और अब मैं दोबारा से इसको व्हिप्ड कर रही हूँ ताकि इसमें ये क्रीम हमारा थोड़ा सा टाइट हो जाए। और ये क्रीम खाने में बहुत टेस्टी लगता है गाइस, आपने अगर कभी ट्राई नहीं किया है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये डेजर्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अब मैं इसे अपने पाइपिंग बैग में भर लूँगी और इसमें मैंने एक सिंपल से स्टार नोज़ल लगाया है जिससे हम रोजेट बनाते हैं केक के ऊपर। यहाँ पे अब मैं जो है अपने केक के 2 पीसेस में उसको कट कर लूँगी, केक इतना सॉफ्ट बना था मुझे काटने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो ये है रणवीर बटर का ये आइसक्रीम बाउल है ये मैंने लिया, आप कोई सा भी बाउल ले सकते हैं, आपके पास में जो भी नॉर्मली कांच के ग्लास हो आप उसमें इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बस कांच के ज़रूर लीजिएगा ताकि ये बाहर से दिखे। तो यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ साइड का जो केक था उसको मैं क्रम्बल कर लूँगी, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम इसी में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए आप मेरा सेटअप, मेरे कैसा लग रहा है आपको ये सेटअप। तो यहाँ पर मैंने जो हम सबसे पहले जो क्रम्बल्स लिए थे उनको मैं बिल्कुल बॉटम में डाल लूँगी, सबसे नीचे की लेयर हम इसी के बनाएंगे। और यहाँ पे अब मैं शुगर सिरप जो है, शुगर 1 चम्मच शुगर को मैंने पानी में डाल लिया था, उसका घोल बना लिया था, अब मैं उसको इसमें डाल दूँगी ताकि हमारे जो ये क्रम्बल्स हैं ये सॉफ्ट हो जाएं, ये सॉफ्ट रहेंगे। और यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ क्रीम चीज़ जो हमने बनाई थी स्टार नोजल के साथ में, तो उसकी जो है एक लेयर हम इसमें लगा देंगे इस तरीके से, गोल तरीके से। आप अगर इसमें नोज़ल नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल पाइपिंग बैग से भी आप इसको
बना सकते हैं, ये बिल्कुल इजीली बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो है रसमलाई का क्रश डाल रही हूँ, इसकी जगह अगर आपके पास में कोई और क्रश भी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये डालना, पर इसको डालने से इसके फ्लेवर में 4 गुना बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है अपनी क्रीम में पिंक कलर मिलाया था, आई डोंट नो वाई, मैं सोच रही थी कुछ अलग दिखेगा पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो तो ढक जाएगा तो आप अगर वाइट क्रीम को भी लगाएंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे हमने जो अपनी क्रीम केक की जो लेयर कट करी थी गोल, उसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, सेकेंड लेयर बन जाएगी अभी हमारी, तो इसको अच्छे से दबा दबा के लगा दीजिएगा। और अब हम इसमें फिर से शुगर सिरप डालें ताकि ये लेयर भी हमारी सॉफ्ट बन जाए। जब हम इसको चम्मच से कट करके खाएंगे तो इस शुगर सिरप के कारण जो सोख हो जाएगा हमारा बेस, उससे वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और सॉफ्टली इजीली बाहर निकलेगा और बहुत ही यमी लगेगा, एकदम ऐसे लगेगा कि बटरी सॉफ्ट है ना। तो इसको इस तरीके से हम सोख कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है सोख। नेक्स्ट हम दोबारा से क्रीम चीज़ की जो है लेयर लगाएंगे इसके ऊपर, इस तरीके से गोल सेंटर में मैंने फिर से पिंक वाली लगा दी, क्योंकि अब बना तो ली थी तो यूज़ तो करना ही है, बट आपको ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली वाइट वाली ही लगा दीजिए। और अब मैंने दोबारा से इसके ऊपर ये रस मलाई का क्रश डाल दिया है, आप इस क्रश की जगह रस मलाई भी डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने जो कि है जैसे आइसक्रीम पर के ऊपर कोन वाली आइसक्रीम के ऊपर बनता है ना, ऐसा वो बना दिया है। यहाँ पे मेरे पास में हार्ट शेप वाले स्प्रिंकल्स थे तो उनसे मैंने इनको डेकोरेट कर दिया, इनके ऊपर सजा दिया है। अब वैलेंटाइन डे है तो हार्ट शेप का कुछ ना कुछ तो चाहिए था, मेरे पास और कुछ डेकोरेट करने के लिए था नहीं, तो जो था वो मैंने इसी से कर दिया। और अब मैं यहाँ पर रियल वाले फ्लावर जो मैं अपने गार्डन से तोड़ के लेकर आई हूँ तो उससे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपके गार्डन में नहीं हो तो आप खरीद के भी सकते हैं, और अगर कोई आर्टिफिशियल हो तो उसे भी डेकोरेट करते हैं, पुदीना की पत्ती से फ्रेशनेस आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास में ये सेल वाले कैंडल्स हैं तो उनको मैं लगा रही हूँ और वार्म रोमांटिक वाइब्स को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपना ओरिजिनल वाला कैंडल लगा दिया है। तो आपको मेरा ये डेकोरेशन, ये सेटअप, ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को रूपालीस किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर ज़रा सा भी ये वीडियो पसंद आता है तो। और ये बहुत ही ईजीली है, अगर केक आप स्क्रैच से बनाना चाहते हैं मैदे से तो वो भी बना के डाल सकते हैं, लगा सकते हैं इसमें, या फिर बाहर बाजार में जो रेडीमेड कप केक्स आते हैं जिनके ऊपर कोई फ्रॉस्टिंग नहीं होती, वो भी आप इसमें क्रश करके यूज़ कर सकते हैं, और कुछ आप अपना इसमें अपना इनोवेटिव भी डाल सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी और ये डेकोरेशन कैसा लगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।